हमारे सामने है मिनी डोर थ्री व्हीलर, फोर्स मोटर्स की मिनी डोर थ्री व्हीलर। फोर्स मोटर्स ने इस गाड़ी का 2010 में प्रोडक्शन बंद कर दिया, मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया इस गाड़ी को 2010 में। 1996 में कंपनी ने इस गाड़ी का प्रोडक्शन चालू किया था, मतलब 15 साल ये गाड़ी चली और 15 साल के बाद कंपनी ने इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद कर दिया। आपको बता दूं कि मिनीडोर एक ब्रांड था थ्री व्हीलर में, और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सभी मॉडल्स हैं गाड़ी के 1996 से लेके 2010 तक। तो आज इस वीडियो में हम छोटा सा रिव्यू करेंगे गाड़ी का। तो हम चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। ये ड्राइवर साइड है और यहाँ पे आपको बड़ा सा स्टेयरिंग, और स्टेयरिंग के बीच में आपको दिख रहा है फोर्स मोटर्स का पुराना लोगो, ओके। और यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख सकते हो गाड़ी का। यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं और दो मीटर है, एक वाटर लेवल चेक करने का मीटर, और जो दूसरा मीटर है वो है स्पीड मीटर, ओके। और राइट साइड आप यहाँ से चाबी डाल के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। ये हॉर्न का बटन है, ओके। और हम बैठ के कुछ और डिटेल डिस्कस करते हैं, ओके। यहाँ पे ऊपर के साइड आपको एक छोटा सा मिरर और एक बल्ब मिलता था, और नीचे के साइड ये जो यहाँ पे बटन्स है, अपर डिपर के बटन्स, इंडिकेटर्स के बटन, ऊपर का एलईडी का बटन, एलईडी बल्ब का, ओके। और इसके नीचे जो है ये तीसरा टायर है गाड़ी का, और यहाँ से आप स्टेयरिंग कंट्रोल होती है। ये देखो, जैसे जैसे मैं स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ वैसे वैसे ये कंट्रोल हो रहा है आगे का टायर। आप देख सकते हैं ये घूम रहा है। और यहाँ पे साइड मिरर, ओके। और नीचे के साइड यहाँ पे एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच। यहाँ पे एक्सेलेटर तो मतलब एकदम इजी आता है, पर जो ब्रेक और जो क्लच आते हैं वो बहुत हार्ड आते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी गाड़ी है तो इसकी वजह से क्लच और ब्रेक बहुत हार्ड आता है, ओके। और यहाँ पे इस गाड़ी को मिलता था फोर स्पीड गेयरबॉक्स, ओके। फोर स्पीड गेयरबॉक्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्लच दबा के गियर कैसे थे इस गाड़ी के। ये हो गया न्यूट्रल, ओके। अभी हम डालेंगे अभी फर्स्ट गियर, यहाँ से पीछे डाल के फर्स्ट होता है, और वैसे ही आगे डाल के ये सेकेंड, ओके। ये हो गया थर्ड, और यहाँ पे आगे फोर्थ गियर टॉप स्पीड, ओके। अभी हम रिवर्स दिखाते हैं, न्यूट्रल करके ज़ोर से राइट साइड से पीछे प्रेस करना। ये हो गया रिवर्स। यहाँ पे आराम से दो लोग बैठ सकते हैं, बहुत जगह है। और इसके नीचे स्टेपनी टायर रखने की जगह कुछ, ओके। और यहाँ पे है डी कंप्रेशर, जहाँ से गाड़ी चालू और बंद होती है। ये खींच के गाड़ी स्टार्ट होती है, चाबी घुमा के ये खींचना पड़ता है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, और ये खींच के गाड़ी बंद होती है। पर ये बहुत पुरानी टेक्निक है, अभी के टाइम की गाड़ियाँ तो चाबी घुमाते ही चालू होती है। तो ये है गाड़ी की विंडो, और यहाँ पे सीट के नीचे कुछ आपको अट्रैक्टिव डिज़ाइन दिख रही होगी, हालांकि ये पुरानी हो गया, पेंट वगैरह बहुत निकाल गया है। और इस साइड है बैटरी गाड़ी की, ओके। तो दो सीट पे चार चार लोग बैठे थे, कुल मिला के आठ, और बीच में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। और यहाँ पे नीचे के साइड गाड़ी का साइलेंसर है, और यहाँ पे एक ग्लास थी, अभी ये निकल गई है। गाड़ी में मिलता था 15 लीटर का फ्यूल टैंक, और 499 सीसी का डीजल इंजन। यहाँ पे आप फ्यूल टैंक देख सकते हो, 15 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक, बहुत मतलब अभी ये पुराना हो चुका है। और नीचे है रेडिएटर, जहाँ से आप वाटर कूलर भर सकते थे। और इसके नीचे है गाड़ी का इंजन, और यह है गेयरबॉक्स। यह है गाड़ी का इंजन, और यह है गाड़ी का स्टार्टर और गेयरबॉक्स। बहुत बढ़िया डिज़ाइन था साइड में, और यहाँ से चढ़ के और यहाँ से पकड़ के आप अंदर जा सकते थे सपोर्ट इसका लेके। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी। और यहाँ पे एक मिनीडोर नाम का बैजिंग मिलता था, अभी ये नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी गाड़ी है, वो कब का निकल गया।
बहुत ही गाड़ी में स्पेस मिलता था, बहुत ही लंबी चौड़ी गाड़ी थी। आगे के साइड 2-3 लोग बैठे थे और पीछे के साइड 8-9 लोग बैठे थे। और बारिश के समय में आप पर्दे लगा सकते हो यहाँ से, ये ओपन करके, और इस साइड विंडो साइड आप देख सकते हो यहाँ पे भी, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। ये पर्दे सेम आगे की साइड भी है, दो साइड, पर ये फोल्ड है, मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि फिर से फोल्ड करने में बहुत समय जाएगा इसलिए। और पीछे के साइड की जो सीट है वो ऐसा करके यहाँ से आपको इंजन ऑयल, गेयरबॉक्स ऑयल या फिर स्टार्टर का कोई छोटा मोटा काम करने के लिए आपको यहाँ पे जगह मिलती थी। तो हम चलते हैं आगे के साइड। आगे का लुक भी बहुत बढ़िया था गाड़ी का। यह है बम्पर और यह है हेडलाइट और इंडिकेटर्स, और यहाँ पे लोगो था, अभी नहीं है फोर्स मोटर्स का, निकल गया है वो। और यह चासिस, यह है आगे का टायर,